ब्रजेश पांडे आप सबका अपने YouTube चैनल पे स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं डाइएजोटाइजेशन रिएक्शन, जो कि ऑर्गेनिक की बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, और इसका मैकेनिज्म कैसे होता है वो भी मैं सब डिटेल में आपको समझाने जा रहा हूं। तो चलो बात करते हैं डाइएजोटाइजेशन की। तो सबसे पहले ये किस लिए है, तो हमारे पास जो प्राइमरी अमीन होता है एरोमेटिक, उसको जब हम डाइजोनियम साल्ट में कन्वर्ट करते हैं, डाइजोनियम साल्ट यानी बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, जैसे सपोज करिए ये कंपाउंड बन गया, और इसी को हम ओपन करके थोड़ा सा ऐसे लिख सकते हैं एन ट्रिपल बॉन्ड एन, यहां पे सीएल, यहां पे पॉजिटिव। तो ये बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड जो हमने बनाया है किससे, एनिलीन से, इससे कैसे बनाते हैं, तो हम इसके अंदर क्या डालते हैं स्टूडेंट, NaNO2 प्लस HCl 0 to 5 डिग्री सेल्सियस, और कई जगह ऐसे भी लिखा जाता है, डायरेक्ट लिख लेते हैं HONO प्लस HCl। एक्चुअल में इससे मिलके ये बनता है, मैं सारा मैकेनिज्म में डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूं आप सबको। तो एनिलीन से बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड कैसे बनता है, डिटेल मैकेनिज्म में आपको समझाने जा रहा हूं, ध्यान से देखिए। पहले पर्पज समझ लीजिए, डाइजोटाइजेशन रिएक्शन किस लिए होती है, एनिलीन से बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड में कन्वर्ट करने के लिए। इट इज ओनली फॉर प्राइमरी अमीन, डाइजोनियम साल्ट जो बन सकता है प्राइमरी में, एलिफैटिक में भी बनता है, मगर वो थोड़ा क्या होता है, अनस्टेबल होता है। सेकेंडरी अमीन और टर्शियरी अमीन, दे डू नॉट शो डाइएजोटाइजेशन रिएक्शन, ठीक है। चलिए बात करते हैं कैसे, अब मैकेनिज्म की बात करें तो हमने क्या लिया बेटा, NaNO2, तो हमें पता है NaON डबल बॉन्ड O2, हमें पता है कि आयनी कंपाउंड है, Na पॉजिटिव, ONO नाइट्राइड आयन बनता है, प्लस HCl हमारे पास है, तो एक्चुअल में होता है क्या, इसका जो O नेगेटिव है ये H पॉजिटिव आयन को गेन करता है, और Cl नेगेटिव यहां से क्या हो जाए, एलिमिनेट हो जाता है। Cl नेगेटिव और Na पॉजिटिव मिलकर क्या बनाते हैं, NaCl, और यहां पे फॉर्मेशन हो जाती है NHONO, जो मैं आपको अभी बोल रहा था। अब जो HONO आपका बना है नाइट्रस एसिड, इसकी जब हम रिएक्शन करते हैं किसके साथ, एसिडिक मीडियम में, क्योंकि रिएक्शन हो रही है HCl, HCl पड़ा हुआ है, वहां से H पॉजिटिव आयन आया, अब इसके लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के, फिर इस H पॉजिटिव आयन को गेन करते हैं, और यहां पे क्या बन जाता है, ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा N डबल बॉन्ड O, ध्यान से देखिए। अब जैसे ही आपको पता है OH2 पॉजिटिव चार्ज जब आ जाता है, तो तुम्हें पता है कि वाटर मोलिक्यूल क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा, तो यहां से जब वाटर एलिमिनेट कैसे होगा, यहां से इलेक्ट्रॉन लेके ये क्या होगा, बाहर निकलेगा, जब इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो नाइट्रोजन पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मेन पॉइंट ये है, नाइट्रोसोनियम आयन की फॉर्मेशन हो जाती है, नाइट्रोसोनियम आयन की फॉर्मेशन हो जाती है, यहां पर यह इंटरमीडिएट एक तरह से न्यूक्लियोफाइल जनरेट हो जाता है, NO N पॉजिटिव N डबल बॉन्ड O। अब ये रिएक्शन को आगे क्या करता है, प्रोसीड करता है, तो मेन पॉइंट है यहां पे, अगर मैं बीच में थोड़ा सा रिएक्शन को स्टॉप करूं तो यहां तक आपको मैकेनिज्म अच्छी तरह समझ आ जाना चाहिए, आगे मैं कंटिन्यू करता हूं। तो हमने क्या किया, NaNO2 और HCl का इस्तेमाल करके HONO बनाया, HONO को H पॉजिटिव आयन के साथ रिएक्शन करके नाइट्रोसोनियम आयन में कन्वर्ट किया। अब ये नाइट्रोसोनियम आयन क्या करेगा, एनिलीन के साथ रिएक्शन करेगा। अब एनिलीन को थोड़ा सा मैं सिंप्लीफाई करके ऐसे भी लिख सकता हूं, AR NH2, ताकि थोड़ा स्पेस कम लगे। अब जो ये NO पॉजिटिव बन जाता है स्टूडेंट, ये रिएक्शन को आगे क्या करता है, प्रोसीड करता है, कैसे करता है, पहले मैं AR ले रहा हूं, बेंजीन नहीं बना रहा हूं मैं, NH2 एनिलीन है हमारे पास, अब इसकी हमने किसके साथ रिएक्शन करा दी, नाइट्रोसोनियम आयन के साथ, यहां पॉजिटिव चार्ज है नाइट्रोजन पे, अब आप समझ सकते हैं कि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो किस पे अटैक करेगा, नाइट्रोजन पे, क्या बन जाएगा स्टूडेंट, ध्यान से देखिए, AR N, इसके पास ऑलरेडी दो हाइड्रोजन पड़े हैं, ये नाइट्रोजन किससे बॉन्ड बनाएगा, नाइट्रोजन से डबल बॉन्ड O, क्योंकि नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसलिए नाइट्रोजन पे कौन सा चार्ज क्रिएट हो जाएगा, पॉजिटिव। अब ये जो पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हुआ है, यहां से क्या होगा, अब यहां न्यूट्रलाइजेशन होगी, यहां से H पॉजिटिव आयन का इग्निशन होगा, माइनस H पॉजिटिव, और आपको मिल जाए AR NH सिंगल बॉन्ड N डबल बॉन्ड O। अब जो H पॉजिटिव आयन एलिमिनेट हुआ, उसको ये जो ऑक्सीजन पे लोन पे रहे, ये H पॉजिटिव आयन को क्या करेगा, गेन करेगा, एसिडिक मीडियम में क्योंकि रिएक्शन हो रही है, R NH
सिंगल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड OH। अब क्योंकि ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन गए हैं इसलिए उसमें पे कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव। अब नेक्स्ट स्टेप यहां से देखिए स्टूडेंट क्या होगा, जो यहां से H पॉजिटिव है इसके इलेक्ट्रॉन यहां गए क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड, और इसके इलेक्ट्रॉन कहां गए यहां पे, यहां पे नेगेटिव चार्ज, और ये H पॉजिटिव जाकर यहां पे क्या हो जाएगा, लग जाएगा, तो क्या बन जाएगा स्टूडेंट, Ar एन डबल बॉन्ड एन ओ एच टू पॉजिटिव। अब आपको पता होगा H2 पॉजिटिव बन जाए तो यहां से वाटर का क्या होगा, एलिमिनेशन, और वाटर एलिमिनेट होगा तो क्या होगा, ए आर एन डबल बॉन्ड एन, नाइट्रोजन के पास से इलेक्ट्रॉन गए इसलिए यहां पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव। अभी रेजोनेंस स्टेबिलाइज है, क्यों, यहां पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इसके इलेक्ट्रॉन गए यहां पे, क्या बन गया स्टूडेंट, ए आर एन ट्रिपल बॉन्ड एन, और इस नाइट्रोजन पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज, दैट इज योर डाइजोनियम साल्ट। अब यहां पे सीएल नेगेटिव लगा देंगे साल्ट, मैंने आपको स्टार्टिंग में अगर ध्यान हो तो ये स्ट्रक्चर बनाया था, आपको इससे बड़े इजीली समझ आ जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड एन, हमने यहाँ पे सीएल नेगेटिव और यहाँ पे पॉजिटिव, तो ये जो मैकेनिज्म है मैंने एनिलीन से बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड जो आपका साल्ट क्लोराइड जो साल्ट है वो यहाँ पे आगे लग जाएगा पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में साल्ट की फॉर्मेशन हो जाएगी, और ये आपका क्या बन गया, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड हो गया। मुझे उम्मीद है कि ये मैकेनिज्म आपको समझ आ गया होगा, अगर आपको ये अच्छा लगा तो अपने बीच जो फ्रेंड्स हैं उनके बीच में शेयर करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।